हेलो, वेलकम बैक टू बिजनेस रोजगार। स्वागत है फिर से आपका। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट थ्री ऑफ बिगेस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग इन 2022। तो साल के पहले ही वैकेंसीज़, पहले ही क्वार्टाइल में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई है, और पहले ही हमने TCS और Accenture कंपनी के वैकेंसीज़ को कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर पार्ट वन और पार्ट टू देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बड़ी कंपनी के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा, विप्रो। तो विप्रो की ये करियर्स में आपको मिल जाएगा ये जॉब प्रोफाइल। और ये है क्या, एलाइट नेशनल टैलेंट हंट है, जो कि फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स हायरिंग प्रोग्राम है। और 2021 और 2022 के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम होता है। रजिस्ट्रेशन 2 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 22 मई, और आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा वो होगा मई 21 से लेके 5 जून तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। BE/BTECH कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर MEMTECH 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप BE/BTECH भी हो तो भी आप फिल आउट कर सकते हैं, या फिर आपको MEMTECH भी अगर आप हो तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते। ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड, इनको छोड़ के सभी ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते। क्राइटेरिया क्या है, 60% और 6.0 CGPA आपका होना चाहिए, और आपने आपने फुल टाइम कोर्स करना चाहिए, नो पार्ट टाइम और करेस्पॉन्डेंस और डिस्टिंक्ट लर्निंग इन डिग्री 10th और 12th। आपने फुल टाइम में एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। 10th में आपका 60% है, 12th में भी आपका 60% एंड अबो का क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो ये जो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दिया गया है, 21 के पास आउट और 22 के पास आउट। डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर है, और रिवाइज कंपनसेशन यहाँ पे जॉइनिंग 35,000 सैलरी है, और फ्लैट बोनस है यहाँ पे पोस्ट 6 मंथ आपको 25K, और इसके बाद भी सैलरी आपकी बढ़ती जाएंगी। देन कंपनसेशन यहाँ पे दिया गया है 3.5 लाख पर एनम, तो एक फ्रेशर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा पे आउट है। देन सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे मेंशन है। देन अदर क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप चलेगा, उसके बाद बैकलॉग्स अलाउड नहीं है, और कैंडिडेट शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन विप्रो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने 6 महीने पहले ही इसमें एनरोल किया है तो आप फिर से एनरोल नहीं कर सकते, और आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, अदर थिंग्स। इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करो आप, ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपका, बिजनेस डिस्कशन होगा, लेटर ऑफ आपको इनविटेशन मिलेगा, देन ऑफर लेटर होगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लर्निंग इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, और ड्यूरेशन रहेगा 48 मिनट्स। रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगा 20 मिनट्स का। ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट रहेगा जिसमें आपको 2 कोडिंग प्रोग्राम्स देने, एक C++ और पाइथन पे। लास्ट डेट जो है वो 22 मई है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक किया करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसी के डिटेल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप फिल आउट करके इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बट बिफोर यू अप्लाई आई मस्ट से कि आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो अपना, और तभी जाके यहाँ पे अप्लाई करो। सो बस यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें हमने TCS और Accenture कंपनी के वैकेंसीज को कवर किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।